नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल साइनी थ्रेड्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे फ्रंट प्लीटेड नायरा कट कुर्ती। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान स्टेप फ्रंट प्लीटेड कुर्ती के। इसमें मैंने साइड स्लिट बनाई है और फ्रंट और बैक दोनों तरफ प्लीट वाला पैटर्न बनाया है। और सारी डिटेल को कवर करने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे। 41 हिप मेजरमेंट के लिए मैंने इसे 12 इंच तक फोल्ड किया है। जैसे हम स्ट्रेट कुर्ती में करते हैं वैसे ही। अब कुर्ती की लंबाई मुझे 45 रखनी है, तो 45 में हम 2 इंच ऐड करेंगे तो 47 कुर्ती की लंबाई रखेंगे। ये हमारा बैक पैनल होगा। अब साइज के हिसाब से बैक पैनल कट करेंगे। यहाँ कपड़े में थोड़ी टेढ़ है तो इसे हम सीधा कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। शोल्डर लाइन हमें फुल रखनी है, शोल्डर लाइन है 7 इंच। आधा इंच हमें ड्रॉप करना है शोल्डर स्लोप के लिए। और इसके बाद आर्म होल लेंथ के लिए 7 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि बैक पैनल में जो नेक है वो छोटा रहेगा। इन दोनों निशानों को हम जोड़ लेंगे। अब हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। चेस्ट की साइज है 34 इंच। उसका चौथा भाग करके उसमें सिलाई का ऐड करेंगे। अब शोल्डर लाइन से 15 इंच नीचे आएगी वेस्ट लाइन। वेस्ट की साइज है 32 इंच। उसका चौथा भाग करके उसमें भी सिलाई का ऐड कर लेंगे। अब शोल्डर लाइन से करीब 22 इंच नीचे आएगी हिप लाइन। यहाँ पर हिप मेजरमेंट है 41। उसका चौथा भाग करके सिलाई का ऐड करें। अब इन सभी निशानों को हम जोड़ लेंगे। और यहाँ पर आर्म होल का आधा लेके गोलाई का शेप बना लेंगे आर्म राउंड के लिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पर 4 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ ऊपर की तरफ भी हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। अब 4 इंच तक पूरा कपड़ा हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए, जो साइड पैनल दिख रहा है स्क्रीन पर, सेम यही शेप हमें 2 पैनल्स और कट करने हैं, जिसमें हमें सिर्फ सिलाई का ऐड करना है। तो इसके लिए मैंने 9 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। जो हमने साइड पैनल फोल्ड की है उसके हिसाब से मैंने इसे लिया है। अब हम इस पैनल को इस पर सेट करेंगे। आधा इंच छोड़ के इसे हम अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे हम अंदर की तरफ दबा देना है और इसी शेप को ड्रॉ कर लेना है। और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर जो प्लेट्स बनेगी उसके लिए कपड़ा लेना है। उसकी पहले लंबाई माप लें। यहाँ पर 15 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें प्लेट्स बनानी है। जितनी भी लंबाई है उससे हमें आधा इंच सिलाई का एक्स्ट्रा लेना है। और जितनी भी चौड़ाई है उससे हमें सिर्फ 4 या 5 इंच एक्स्ट्रा लेना है गेदर्स बनाने के लिए। यहाँ इसकी लंबाई 32 इंच आ रही है, पर हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए। ये जो हमने 4 इंच पर निशान लगाया है, हमें गेदर्स बनाने के लिए इसका डबल लेना है, यानी कि 8 इंच हमें ज्यादा कपड़ा लेना है गेदर्स बनाने के लिए। यहाँ पर मुझे बैक पैनल में भी इसी तरह से गेदर्स बनानी है, तो इसे भी हम फ्रंट पैनल जितना कट कर लेना है।
जो हमने फ्रंट पार्ट के लिए दो पैनल कट किए हैं, उसी तरह बैक पार्ट के लिए भी हम दो पैनल कट कर लेंगे। ये हमारा चार पैनल कट हो गया है दोनों साइड का। अब हम बैक पार्ट को निकाल देंगे और फ्रंट पार्ट में फ्रंट आर्म राउंड को ड्रॉ कर लेंगे और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने ये कपड़ा निकाल लिया है। इसकी चौड़ाई देखिए ज्यादा है, जिससे हम गैदर्स बनाएंगे। ये फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के लिए कपड़ा कट किया है। इसकी चौड़ाई 16 इंच है और इसकी लंबाई 32.5 इंच है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की लेंथ 13 इंच है और विड्थ इसकी 10 इंच है। 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और स्लीव कैप को ड्रॉ कर लेंगे। और आगे के आर्म राउंड को भी हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हम स्लीव बॉटम पर 7 इंच पर मार्क करेंगे और इन दोनों निशानों को जोड़ लेंगे और स्लीव की कटिंग कर लेंगे। अब हम स्लीव के साथ ये स्ट्रिप अटैच करेंगे। इसकी लंबाई स्लीव बॉटम के बराबर है और इसकी चौड़ाई 5 इंच है। अब हम बैक पैनल तैयार करेंगे। ये ऊपर के टॉप पार्ट के लिए कपड़ा कट किया है। इसकी लंबाई 15 इंच है और चौड़ाई इसकी 9 इंच है। जो हमने गेदर्स के लिए कपड़ा कट किया है उसे हमें इसके साथ अटैच करना है। यहाँ पर हम गेदर्स बनाएंगे और टॉप पार्ट के साथ स्टिच कर लेंगे। ये मैंने गेदर्स बना लिए हैं। अब हम इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। स्टिच करने के बाद अब हम बैक पैनल में दोनों साइड पैनल को अटैच कर लेना है। इस तरह से साइड पैनल को उल्टा रखना है और दोनों साइड को स्टिच कर लेना है। अब हम प्लेकेट तैयार करेंगे। इसकी लंबाई 14 इंच है और चौड़ाई 5 इंच है। यहाँ पर हम गले की चौड़ाई के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे और गले की लंबाई के लिए 5 इंच पर और नीचे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब हम राउंड में गले का शेप बनाएंगे। और यहाँ पर तिरछे में जोड़ लेना है। अब हम नीचे 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे बकेट का शेप दे देंगे। और इसकी कटिंग करके कपड़े पर पेस्ट कर लेना है। अब प्लेकेट के साइज के दूसरे कपड़े को हमें इसके साथ अटैच करना है। इस तरह दूसरी तरफ रख के गले के शेप में स्टिच कर लेना है। इस तरह से राउंड शेप में स्टिच कर लेना है, पर नीचे हम बाद में सिलाई लगा देंगे।
अब हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है और छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। और हम बीच में भी कट लगाएंगे। इसे कट करने के बाद मैंने इसके लिए लूप बनाया है। इसे हमें इस तरह से सेट करेंगे और सिलाई कर लेनी है। इस तरह से हम इसे वी शेप में स्टिच कर लेंगे। अब हम प्लेकेट को पलटकर सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब इस प्लेकेट को हमें फ्रंट पैनल के साथ अटैच करना है। इसे हमें फोल्ड करके इस तरह से सेट करना है। अब हम चॉक की मदद से इसी शेप में ड्रॉ कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसे कट कर लेना है आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़कर। ये मैंने पैनल में गेदर्स बना ली है। इसे हम प्लेकेट के साथ स्टिच कर लेंगे। अब हमें दोनों साइडों को इसके साथ जोड़ लेना है और दोनों तरफ सिलाई लगा देनी है। अब हम लेस को अटैच करेंगे। इस तरह से लेस को रखते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। पूरे में इसी तरह हम लेस को अटैच करेंगे। अब हम बैक नेक को तैयार करेंगे। पट्टी को उल्टा रखना है और सिलाई लगा देनी है। फ्रंट और बैक पार्ट को ऐसे आमने सामने रख के इस तरीके से शोल्डर लाइन से दोनों को आपस में जोड़ लेना है। अब हम यहाँ आर्म राउंड पर स्लीव लगाएंगे। स्लीव को इस तरह से घुमाते जाएं और सिलाई कर लें। स्लीव लगाने के बाद अब हम कुर्ती के साइड बंद कर लेंगे। स्लीव से लेके हिप लाइन तक फिटिंग के हिसाब से सिलाई लगा देंगे और यहाँ पर साइड स्लिट के लिए दो बार फोल्ड करके स्लिट को तैयार करेंगे। उसके बाद नीचे बॉटम में भी सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। मैंने इस कुर्ती को रेडी कर दिया है। ये पहनने पर बहुत ही खूबसूरत लगती है। अगर मेरा ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।